अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपना वही पुराना जो टॉपिक रहता है हमेशा की तरह, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके। इन्हीं सब चीज़ों में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। अभी इस वीडियो में बात करने वाले थे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके, जो कि काफ़ी दिनों से चर्चित रहा कि कब चालू होने वाला है। मैं 2 दिन से बता रहा हूँ कि थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए, आप लोग 2-3 दिन और वेट कर लीजिए। पता नहीं, शायद जो खुशखबरी निकल के आने वाली है सामने, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि बहुत ही जल्द, मतलब 1 या 2 दिन के अंदर हो सकता है चालू एयरपोर्ट, जो लाइसेंस प्रक्रिया हो जाएगी चालू। इसी वीडियो में बात करें इन सब चीज़ों के बारे में। बन रही वीडियो के साथ मिलते हैं इंट्रो के। तो मैंने पहले ही बताया था, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को फटाक से लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हम और मोटिवेट होकर अच्छे से वीडियोस बनाएं, ताकि उनमें और बढ़िया से आप सबों को बताएं कि किस तरह से जो एयरपोर्ट का काम है वो हो रहा है, या फिर इसी रिलेटेड आपको जानकारी दें। इन सब बारे में बात करने से मैंने बताया हुआ था पिछली वीडियो में भी कि एयरपोर्ट जो है बहुत ही जल्द चालू होने वाला है। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ यूट्यूब पर भी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं मुझे कि दुबई से बनाओ, रियाद से बनाओ। तो भाई जो एयरपोर्ट है, जो काम है, वो सारा काम तो हो ही गया है। अभी बताया जाए कि छठ की वजह से डीले है। भाई छठ से और उसका एयरपोर्ट से क्या लेना, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस तरह का जो स्ट्रेटजी है जो बनाया जा रहा है यहाँ पे। जो उड़ान मंत्री हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब किस तरह का, किस बात का डीले यहाँ पे किया जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर। जो लाइसेंस का प्रक्रिया था वो तो कम्प्लीट हो ही गया है, बस जो लाइसेंस, जो मतलब कहा जाता है कि एक बस मोहर लगा के दे देना है, उस तरह का बस बाग काम है। बस एक बार मोहर लग जाए, एयरपोर्ट हो जाएगा इंटरनेशनल चालू, फिर आप जो भी दुबई से आ सकते हैं, सऊदी से आ सकते हैं। काफ़ी लोग तो मुझे कमेंट कर रहे हैं भाई रियाद से हैं और हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो। तो मैं बता दूँ, अभी कॉन्टैक्ट नंबर तो अभी मैं नहीं दे सकता फ़िलहाल कुछ कारण की वजह से। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों से मतलब ऐसे डायरेक्टली बात करूँगा। मैं कोशिश करूँ यहाँ पे अपना एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊँ जिसके थ्रू आप लोगों से मैं जुड़ूँ और वहाँ के बारे में आप लोगों से जानूँ, ताकि आप लोग से मैं डायरेक्टली बात करूँ व्हाट्सअप के मदद से, ताकि आप लोगों से और अच्छे से बात करके समझ में आए कि आप लोगों को क्या परेशानी हुई, या फिर आपकी क्या सुझाव है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके, जो कि आपके द्वारा हम सभी को मालूम होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को जानकारी से होगी कि जो लोग दुबई हैं, सऊदी, वो लोग क्यों इतना जल्दी चाहते हैं कि हमें जो है एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट पे उतरना चाहिए, यहाँ पे फ्लाइट चालू हो जाए, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी चीज़ों पर बात करनी होगी। इन सभी चीज़ों में बात करने के, अगर आप हमसे जुड़ते हैं या फिर हम एक बहुत ही जल्द व्हाट्सअप का ग्रुप बनाएंगे जिसमें से कुछ लोगों को उसमें एडिट करके उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करके काफ़ी लोगों का दिया जाएगा, या फिर जो यहाँ पे जो न्यूज़ वाले हैं, या फिर जो जिस तरह की बात हो रही है दुबई से लेके सऊदी तक, काफ़ी जो लोग हमारे यहाँ के काम करने के लिए वहाँ पे जो लोग गए हुए हैं लोग, वो लोग भी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कुछ ना कुछ एयरपोर्ट को लेके। इसी सब चीज़ों में बात करना था, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा जो एयरपोर्ट का काम है उसको कम्प्लीट हो गया है फिलहाल। अभी भी मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि 2-3 दिन तक और वेट कर लीजिए आप लोग, शायद कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो लाइसेंस का प्रक्रिया था वो हो जाएगा। बीएससी की टीम आई है, रिपोर्ट लगा दी है, और समझ नहीं आ रहा कि किस बात की इतनी देरी है। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए, गुड बाय।